ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना टूट गई और उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट हो गया। कैसे टूटी शेख हसीना, इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। किसी भी अंजाम की परवाह किए बगैर अपने फैसलों पर कायम शेख हसीना को तीन खबरों ने तोड़ दिया। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और परिवार के तमाम लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद शेख हसीना जिस बात को मानने के लिए आखिर तक तैयार नहीं थी, इन तीन खबरों के सामने आने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि अब उनके सामने हामी भरने के सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प बचा नहीं है। आखिर में पूरी तरह से टूट चुकी शेख हसीना ने हामी भर दी और उनको देश से भगाकर भारत भेजने की तैयारियां शुरू हो गई। जल्द ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और शेख हसीना भारत आ गई। दरअसल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास में देश के हालात को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक होने वाली थी। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। मीटिंग से ठीक पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख बेहद घबराए हुए थे। शेख हसीना के पास वो पहुंचे, उनके चेहरों पर मौजूद तनाव देश के हालात बताने के लिए काफी थे। कुछ पल इंतजार करने के बाद तीनों सेना प्रमुखों ने एक एक कर देश के हालात के बारे में शेख हसीना को बताना शुरू किया। और इसी दौरान सेना प्रमुखों ने शेख हसीना को पहली खबर सुनाई। उन्हें बताया गया प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ दूरी तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इस खबर को सुनने के बाद शेख हसीना को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि उनकी सेना दीवार बनकर प्रदर्शनकारियों को उन तक पहुंचने से रोक नहीं पाई और उन्हें विश्वास था कि उनकी सेना ऐसा कर देगी, यानी कि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास पर आने से रोक देगी। इस बीच सेना प्रमुख ने शेख हसीना को दूसरी खबर सुनाई। इस खबर को सुनने के बाद शेख हसीना का भ्रम टूट गया। उन्हें बताया गया कि ग्राउंड लेवल पर सेना और पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए हैं। सेना के अधिकारियों ने शेख हसीना को बताया कि चूंकि उनके सैनिक भी उसी देश का हिस्सा हैं और गांव से आते हैं, लिहाजा वे अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। स्थिति को देखने के बाद सेना के आला अधिकारियों को यह एहसास हो चुका था कि स्थिति उनके हाथ से बाहर जा चुकी है। सेना के तीनों जो प्रमुख थे, उन्होंने अब शेख हसीना को तीसरी खबर सुनाई। इस खबर को सुनने के बाद शेख हसीना पूरी तरह से टूट गई। दरअसल उन्हें ये बताया गया कि पुलिस के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है, पुलिस बुरी तरह से थक चुकी है, अब वे सभी अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने शेख हसीना को साफ तौर पर बता दिया कि अब वे प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सेना अधिकारियों की तमाम बातों को सुनने के बाद शेख हसीना को समझ में आ गया था कि उनके पास अब कोई विकल्प सामने बचा नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़कर पड़ोसी देश में शरण लेनी ही होगी। और इस बीच शेख हसीना के साथ मौजूद उनकी बहन ने भी उनको बहुत समझाया। आखिर में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के लिए तैयार हो गई और इस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद वे विमान से बांग्लादेश छोड़कर भारत के हिंडन एयरबेस की तरफ रवाना हो गई। तो ये तीन बड़ी बातें थीं जिसके बाद शेख हसीना ने इस तरीके का बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब वो भारत में हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए हैं। आपको कौन सी खबरें पसंद हैं देखना न्यूज़ 18 इंडिया पर, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।